बड़े से बड़े बैंक को पीछे छोड़ मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म बन गया। 2014 में लॉन्च हुए पेटीएम मोबाइल वॉलेट के आज देश में 10 करोड़ ग्राहक इस्तेमाल कर रहे हैं और हर महीने इसमें लगभग 7.5 करोड़ सौदे हो रहे हैं। अब कंपनी का लक्ष्य 2020 तक 50 करोड़ ग्राहकों तक अपनी पहुंच बनाने का। पेटीएम के फाउंडर और सीईओ से बात की हमारी सहयोगी हर्षदा सावन ने। हमारे साथ है पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा। विजय, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही आसानी से आपने माइलस्टोन अचीव किया, अब यहाँ से आगे क्या करेंगे? इतना आसान नहीं था, ये कहूंगा कि आई थिंक हमें बहुत सारा पहले टेक्नोलॉजी को बड़ा करना पड़ा, हमें फिर कुछ बहुत सारे खर्चे करने पड़े, लेकिन 10 करोड़ कस्टमर हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। हम बहुत ही गर्वान्वित फील कर रहे हैं कि देश में 10 करोड़ कस्टमर आ सकते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे। हमारा टारगेट 50 करोड़ लोगों के लिए है, 500 मिलियन लोगों के लिए है। 50 करोड़ लोग 2020 तक अगर हम प्लेटफॉर्म पे ले आए तो हमें लगेगा कि हम देश के लिए कुछ कर पाए। आपने जो ये 50 करोड़ का टारगेट रखा है उसके पीछे कितना निवेश जाएगा? 50 करोड़ वॉलेट के लिए और 50 करोड़ यूजर बेस के लिए हमने 2020 तक के लिए हमने करीब 5000 करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात करी है और ये मनी हमारे पास है, ये पैसे हमारे पास हैं, हमने रेज कर रखे हैं। सो 5000 करोड़ में ये काम हो जाना चाहिए। अभी तक की आउटलाइन से तो हम ऑन द ट्रैक हैं, हमने ये अचीवमेंट भी उतने बजट में कर लिया जितने में हमारे खर्चे ज्यादा होने वाले थे, बट थैंक गॉड हमने उससे पहले कर लिया। तो मेरा मानना है कि 5000 करोड़ में ही हो जाएगा। ओके, क्योंकि काफी चर्चा हो रही कि शायद अलीबाबा यहाँ पर और भी पैसा लगा सकता है आपकी कंपनी में, आप कुछ और स्टेक देंगे जहां पर शायद आपका करंट होल्डिंग 28% से 25% तक होगा, क्या उस पर आप कुछ ठोस कह पाएंगे? क्या वो बातचीत चल रही है, शायद आगे जाकर इस पर विचार हो? वेल, अलीबाबा एक हमारे इन्वेस्टर पार्टनर भी हैं और आई थिंक उनके पास बहुत सारी नॉलेज है, पैसे भी हैं और हमारी जरूरत भी आएंगी, तो जब हमारी जरूरत होगी तो हमारे पास एक बहुत ही लॉन्ग होल्ड इन्वेस्टर है। और अभी तो मैं यही कह सकता हूं कि इस साल के एंड तक के लिए हमारे पास पैसे हैं, कन्वर्सेशन जारी रहती हैं और जब होगा तो हम बता देंगे, लेकिन अभी हमारी कोई जरूरत इमीडिएट नहीं है जिसकी वजह से हम ये कहें। और आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।